हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय। तो आज है श्रावण महीने का तीसरा सोमवार और आज हम जा रहे हैं रानपर गांव के पास में पहाड़ों की साइड, जो धींगेश्वर महादेव का मंदिर है, तो वहां पे हम जा रहे हैं। और अभी आप देख सकते हो पहाड़ों पे बारिश भी शुरू हो गई है। तो अभी रास्ते में बारिश भी मिल गई थी, तो थोड़ी देर एक दुकान पे बैठे और फिर बारिश बंद होते ही सीधा निकल गए। ये मंदिर भानवड़ से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे रानपर गांव के पास में है। तो जो रानपर गांव से थोड़ी सी दूरी पर पहाड़ के पास में ये मंदिर है और इस मंदिर के पास में पौराणिक बौद्ध गुफाएँ भी हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर पे। वैसे ये पूरा पहाड़ी इलाका है, बड़ा पर्वत में ही है ये पूरा मंदिर। यहाँ पर इस मंदिर के इतिहास के बारे में लिखा है और गुजराती और इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो आप पढ़ सकते हैं। और अभी हम शिवलिंग के दर्शन कर लेते हैं और ये मंदिर देखते ही लगता है कि कितना पुराना और ऐतिहासिक भी है। और ये शिवलिंग भी बहुत ही विशाल है और इतने बड़े कद का है कि ये शिवलिंग शायद कहीं आपने देखा भी नहीं होगा, इतना बड़ा शिवलिंग। तो चलिए पहले दर्शन कर लेते हैं और आगे यहाँ की बौद्ध गुफाएँ भी आपको दिखाऊँगा मैं थोड़ी सी। Thank you.
तो यहाँ पर साथ में ही हनुमान जी का भी मंदिर है, तो शिव जी के साथ साथ यहाँ पर आपको श्री हनुमान जी के भी दर्शन हो जाएंगे। और ये है वो बौद्ध गुफाएं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था वीडियो में आगे, लेकिन अभी तो मैं आपको इसके अंदर जाके नहीं दिखा सकूंगा क्योंकि बारिश की वजह से अभी तो ये गुफाएं पूरा पानी भरा है गुफा में। तो वैसे ये गुफाएं बहुत ही अद्भुत हैं, अंदर के पूरे पहाड़ों को काट कर बनाया गया है इन गुफाओं को। तो अगर मैं समर में कहीं कभी आऊँगा तो आपसे ज़रूर वीडियो शेयर करूँगा। और कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जल्दी से हमारा चैनल 2K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर ले। तो मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।